हेलो दोस्तों, आज हम योगिता बाली के ऑल मूवीज नेम लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। साल 1971 में योगिता बाली की पहली फिल्म आई परवाना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर टू, इसी साल 1971 में इनकी फिल्म आई गंगा तेरा पानी अमृत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर नवीन निश्चल, योगिता बाली, रहमान, प्राण, नीरू बोराय, अशोक कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर थ्री, इसी साल में इनकी फिल्म आई मेम साहब। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद खन्ना, योगिता बाली, जॉनी वॉकर और बिंदु नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर फोर, इसी साल 1971 में इनकी फिल्म आई मेरे अपने। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, योगिता बाली और मोहम्मद नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर फाइव, इसी साल में इनकी फिल्म आई पर्दे के पीछे। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद मेहरा, योगिता बाली, बिंदु, प्राण और जगदीप नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर सिक्स, साल 1972 में इनकी फिल्म आई बुनियाद। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, योगिता बाली, राकेश रोशन और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर सेवन, इसी साल 1972 में इनकी फिल्म आई सजा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, प्राण, कबीर बेदी और योगिता बाली नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर एट, इसी साल में इनकी फिल्म आई जमीन आसमान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, सुनील दत्त, रेखा और योगिता बाली नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर नाइन, साल 1973 में इनकी फिल्म आई निर्दोष। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद मेहरा, योगिता बाली, सुजीत कुमार और नाजनी नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर टेन, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई झील के उस पार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मुमताज, योगिता बाली और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 11, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई बनारसी बाबू। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, राखी, योगिता बाली, आईएस जौहर और जीवन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 12, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई एक मुट्ठी आसमान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विजय अरोड़ा, योगिता बाली और मोहम्मद नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। नंबर 13, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई गद्दार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद खन्ना, योगिता बाली, मदनपुरी, रंजीत और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 14, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई नफरत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राकेश रोशन, योगिता बाली, प्रेम चोपड़ा और बिंदु नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 15, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई समझौता। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल धवन, योगिता बाली और प्रदीप कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 16, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई यौवन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अनिल धवन, योगिता बाली, सुजीत कुमार और कबीर बेदी नजर आए थे। नंबर 17, साल 1974 में इनकी फिल्म आई अजनबी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, योगिता बाली और आसरानी नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 18, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई अपराधी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव कुमार, किरण कुमार, योगिता बाली और इम्तियाज नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 19, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई सौदा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद खन्ना, योगिता बाली, सुधीर बजाज और रंजीत नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 20, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई चरित्रहीन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, योगिता बाली, आसरानी और मदनपुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 21, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई चौकीदार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, योगिता बाली, विनोद खन्ना, जीवन और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 22, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई किसान और भगवान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दारा सिंह, फिरोज खान, योगिता बाली और अभी भट्टाचार्य नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 23, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई उजाला ही उजाला। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद मेहरा, योगिता बाली, महमूद, अशोक कुमार और अनुप कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 24, इसी साल में इनकी फिल्म आई चट्टान सिंह। इस फिल्म के मुख्य एक्टर प्रेमनाथ, विनोद मेहरा और योगिता बाली नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 25, साल 1975 में इनकी फिल्म आई जिंदगी और तूफान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर साजिद खान, योगिता बाली, राकेश पांडे और रेहाना सुल्तान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 26, साल 1976 में इनकी फिल्म आई खान दोस्त। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मिट्टू मुखर्जी और योगिता बाली नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 27, इसी साल 1976 में इनकी फिल्म आई
इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, योगिता बाली, कबीर बेदी और रीना रॉय नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी थी। नंबर 28, इसी साल 1976 में इनकी फिल्म आई लगान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद खन्ना, योगिता बाली, बिंदु, प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल और दीना पाठक नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 29, इसी साल 1976 में इनकी फिल्म आई सवा लाख से एक लड़ाऊ। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दारा सिंह, राजेश खन्ना, नीतू सिंह, नवीन निश्चल और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 30, इसी साल में इनकी फिल्म आई रईस। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किरण कुमार, योगिता बाली और उत्पल दत्त नजर आए थे। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 31, साल 1977 में इनकी फिल्म आई चाचा भतीजा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रणधीर कपूर और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 32, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई धूप छाव। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, हेमा मालिनी, योगिता बाली और ओम शिवपुरी नजर आए थे। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 33, इसी साल में इनकी फिल्म आई डाकू और महात्मा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेंद्र कुमार, रीना रॉय, योगिता बाली और कबीर बेदी नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 34, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई दिल और पत्थर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, मीना शर्मा और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 35, इसी साल में इनकी फिल्म आई काली रात। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद मेहरा, योगिता बाली, फरियाल और राजन हक्सर नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 36, साल 1978 में इनकी फिल्म आई भक्ति में शक्ति। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दारा सिंह, सतीश कौल, योगिता बाली और भारत भूषण नजर आए थे। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 37, इसी साल में इनकी फिल्म आई एक बाप छह बेटे। इस फिल्म के मुख्य एक्टर महमूद, योगिता बाली, पक्की अली और लक्की अली नजर आए थे। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 38, साल 1979 में इनकी फिल्म आई आखिरी कसम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर कबीर बेदी, विनोद मेहरा और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 39, इसी साल 1979 में इनकी फिल्म आई जानी दुश्मन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह, विनोद मेहरा, योगिता बाली और बिंदिया गोस्वामी नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 40, इसी साल में इनकी फिल्म आई जनता हवलदार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, योगिता बाली, अशोक कुमार, हेमा मालिनी और महमूद नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 41, इसी साल 1979 में इनकी फिल्म आई सलाम मेम साहब। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, योगिता बाली, जरीना वहाब और आसरानी नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। नंबर 42, इसी साल में इनकी फिल्म आई शाबाश डैडी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, योगिता बाली और अमित कुमार नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 43, साल 1980 में इनकी फिल्म आई ओ बेवफा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेंद्र कुमार, अनिल धवन और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 44, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई 1920। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली, रंजिता कौर और भारत भूषण नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 45, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई ख्वाब। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, रंजिता कौर, नसरुद्दीन शाह और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 46, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई प्यारा दुश्मन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमजद खान, राकेश रोशन, विनोद मेहरा, योगिता बाली, विद्या सिन्हा और सारिका नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 47, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई हम नहीं सुधरेंगे। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मदनपुरी, योगिता बाली, आसरानी और रीटा नजर आई थी। नंबर 48, साल 1981 में इनकी फिल्म आई जमाने को दिखाना है। इस फिल्म के मुख्य एक्टर ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, योगिता बाली और अमजद खान नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 49, इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई बीबी ओ बीबी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, रणधीर कपूर, पूनम ढिल्लो और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 50, इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई बेशक। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 51, इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई हकदार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राकेश रोशन, योगिता बाली और सुरेश ओबेरॉय नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 52, साल 1982 में इनकी फिल्म आई बावरी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राकेश रोशन, जया प्रदा और योगिता बाली नजर आई थी। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 53, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई जानवर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, जीनत अमान, योगिता बाली, निरूपा रॉय और प्रदीप कुमार नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही।
नंबर 54 साल 1983 में इनकी फिल्म आई कराटे। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, काजल किरण, योगिता बाली और मजहर खान नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 55 साल 1984 में इनकी फिल्म आई ये इश्क नहीं आसान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे, योगिता बाली और दीप्ति नवल नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 56 इसी साल 1984 में इनकी फिल्म आई लैला। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अनिल कपूर, पूनम ढिल्लो, सुनील दत्त, योगिता बाली, अनीता राज और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 57 इसी साल में इनकी फिल्म आई राज तिलक। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, राजकुमार, धर्मेंद्र, कमल हसन, हेमा मालिनी, योगिता बाली, रीना रॉय, प्राण और रंजिता नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 58 इसी साल 1984 में इनकी फिल्म आई वक्त की पुकार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज किरण, योगिता बाली, विजयेंद्र घाटगे और शोमा आनंद नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 59 साल 1987 में इनकी फिल्म आई मेरा कर्म मेरा धर्म। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, मौसमी चटर्जी और योगिता बाली नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 60 साल 1989 में इनकी लास्ट फिल्म आई आखिरी बदला। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली, प्रदीप कुमार और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। तो दोस्तों ये था योगिता बाली का कंप्लीट फिल्मी सफर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगला वीडियो किस एक्टर पर देखना पसंद करते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।